मॉर्निंग, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ, और क्या आप सब ठीक होंगे? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा वर्ल्ड लाइफस्टाइल में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, वो मेरी दिन की शुरुआत आज हो रही है ये गर्म पानी से। इसको मैंने पूरा प्रॉपर गर्म पानी नहीं किया है, मतलब पूरा खुलाया नहीं है, इसको मैंने गुनगुना पी की है, और मैं इसको बस आज यही पीने वाली हूँ। मेरी फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक में ये है, तो मैं ये पीती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी ब्रेकफास्ट में, और अच्छे से ब्रेकफास्ट में मिलूंगी। आपको लग रहा होगा कि ब्रेकफास्ट में तो फ्रूट खाती हूँ अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ, तो यस, मैं उनसे ये चैलेंज है 21 हार्ड डे चैलेंज का, आज मेरा 16 डे था, तो बस मैं यहीं पर क्विट कर रही हूँ, मैं आगे नहीं करूंगी। क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है, क्यों मैंने बीच में अभी 6-7 दिन पड़े थे, मैंने क्यों छोड़ दिया है, वो आगे मैं आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद बताऊंगी। तो आप बने रहे मेरे साथ वीडियो में और देखें कि मैंने क्यों ये छोड़ा है, क्या वजह है। तो चलो मैं ये मॉर्निंग ड्रिंक पी लेती हूँ, फिर मैं आपको ब्रेकफास्ट में मिलती हूँ। मैं बताती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ। A few moments later, ऑयल की बोतल पूरी की पूरी खाली हो गई, तो इसको मैं भर रही हूँ। तो गाइज, आज मैं बनाने लगी हूँ वर्ड्स के लिए, बनाने लगी हूँ नमकीन सेवियां। उसके लिए मैंने आलू कट किया है, टमाटर कट किया, और ये मटर ऐड करूंगी मैं उसमें। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी सरसों का तेल। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू सबसे पहले, साथ में इसके ऐड कर देंगे मटर, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्ची, थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी, दैट्स इट। अब इस सबको अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने ये टमाटर को अच्छे से भून लिया, अच्छे से टमाटर वगैरह गल गए, लेकिन आलू को गलने के लिए मैं उसमें पानी ऐड कर रही हूँ, सारी सब्जियां इसमें अच्छे से गल जाएंगी, उबाल आएगा, फिर हम इसमें सेवियां ऐड करेंगे। तो पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो गया, सब्जियां मेरी गल चुकी है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये वर्ड्स मिली, बस इसको ढक के रख देंगे, 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। गाइज, मैं अपने ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ आज वर्ड्स मिल नमकीन सेवियाँ, जिसमें मैंने आलू और टमाटर और मटर डाले, और साथ में एक कटोरी मैंने ली है दही। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट ये वाला है। कितना अच्छा लग रहा है देखो, खाने में मतलब देखने में इतना अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद मैं ये नाश्ता कर रही हूँ, और पता है मेरे को नाश्ते की ज़रूरत भी थी, क्यों ज़रूरत थी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नाश्ता कर लूँ आज अच्छे से आराम से बैठ के, और बहुत टेस्टी लगता है। आप लोगों से बताएं, आप लोगों किसको किसको नमकीन सेवियाँ बहुत अच्छी लगती है, मेरे को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। अगर आपको मैगी की क्रेविंग होती है, मैगी की, तो आप ये खा सकते हैं, आपको टेस्टी लगेगा और हेल्दी भी, गिल्ट फ्री है। और ये सूजी की बनी हुई है, ये नहीं कि मैदे की बनी है, तो इसको कोई भी खा सकता है, और हमारे वेट लॉस में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो चलो मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, पहले मैं टेस्ट करती हूँ। मेरे को दही के साथ इतना अमेजिंग लगता है ना इसका, ये कॉम्बिनेशन बहुत यम्मी लगता है। बहुत अमेजिंग बना है, बहुत चटपटा बना है, स्पाइसी बना है, बहुत यम्मी बना है। और आज का ब्रेकफास्ट मेरा ये है, और बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है हमारे ब्रेकफास्ट में, इसको हम डिनर में भी खा सकते हैं। तो चलो मैं अपना इंजॉय करती हूँ ब्रेकफास्ट आराम से, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो गाइज, मेरे को ब्रेकफास्ट की आधा एक घंटा हो गया, तो मेरे को उसके बाद मैं आज ग्रीन टी नहीं ले रही, ग्रीन टी मैं देखूंगी शाम में पीऊंगी। अभी मैं एक गिलास पूरा भर के मैंने गुनगुना पानी पिया है, पानी लिया है, तो बस मैं आज इसको ही पीऊंगी। तो मैं आपको बोल रही थी कि मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको बताऊंगी कि मैंने 21 हार्ड डे चैलेंज क्यों क्विट किया है, क्या रीजन है, क्यों मैंने रोक दिया बीच में ही 15 दिन करने के बाद ही आज मैंने क्यों रोक दिया। तो मैं आपको इसके रीजंस बताती हूँ। कल जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मेरी हालत एकदम से ना बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई मेरे को, क्योंकि 15 दिन हो गए थे मैं करके, पता है मेरे को 10 दिन तक ऐसा कुछ लगा नहीं, फिर कपड़े भी लूज हो रहे थे, वेट भी ऐसा इतना नहीं गिरा है कि मैं आपको बोलूँ मेरा 4-5-6 किलो वेट गिर गया है। इससे ज्यादा वेट तो मेरा जब मैं अपनी खा के मैंने इतना वजन कम किया, और मेरा इतना वजन कम होता है तो ये अभी क्या कितना हुआ है मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने 21 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट किया था, तब मेरा वेट था 57.30 यानी कि 57.30, और अभी मेरा है 55.80, सुबह मैंने चेक किया यानी कि 55.80। तो इतना वजन है, कितना 1.5-2 किलो वजन कम हुआ है। तो ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा कम हो गया 4-5 किलो, 1.5-2 किलो 15 दिन में कम होना कोई बहुत
बड़ी बात नहीं होती है। जब मैं खाना खा के अपना वजन कम करती थी, मेरा फर्स्ट मंथ में कम होता 7 साढ़े 7 किलो वजन कम, तो वो बहुत बड़ी बात थी। और इसमें पता क्या हुआ है, कुछ भी सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, सुबह हल्का, रात को हल्का, आप दोपहर में कितना ही खा लोगे, तो ऐसा नहीं आप दोपहर में इतना खा लोगे कि आप ठूस लोगे एकदम से कि बहुत ज्यादा खा लिया है। फिर वो हार चैलेंज का फायदा क्यों कि हम खाते रहेंगे, तो मैंने किया। अब जाके मेरे को मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया। कल आपने आपने देखा होगा कि मैं एकदम से लो हो गई, यानी मेडिसिन लेके आई मैं अपनी, तो मेरे पेट में इतना दर्द 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 मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो गया था। तो जब मैंने ये घर पे बात की तो उन्होंने भी मना किया कि आपको अब आगे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और सच में मेरे को भी लग रहा था मेरे को आगे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। किसी भी इंसान के लिए उसकी हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, और इससे बढ़िया चीज़ तो मैं अपना खा के मैं अपना इतना वजन कम करी। मैंने अपनी पूरी जर्नी में यानी कि 5 महीने में 23 किलो वजन कम किया था। मैंने कोई चैलेंज नहीं किया। मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि मैंने आप लोगों के कहने पर ये चीज़ की है और तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, सच कुछ नहीं है। अगर मेरे अंदर ये चीज़ ना आती तो मैं ये चीज़ नहीं करती। किसी के भी कहने से कोई भी इंसान कुछ नहीं करता, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो ये चीज़ अगर ये चीज़ मैंने खुद स्टार्ट की थी तो मैंने खुद ही क्विट किया। ये नहीं मेरे को किसी ने बोला कि तुम क्विट कर दो तो मैंने क्विट कर दिया। तो अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर आपका दिल गवाही नहीं कर रहा कि आप आगे जाकर प्रॉब्लम और फेस कर सकते हैं, एक हफ्ते का चैलेंज रह गया तो ये नहीं कि मैं कर नहीं सकती थी, कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एक हफ्ते तक मैं बिल्कुल ही लो हो जाऊँ। मैं सिर्फ यहाँ दिखावा के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती रहूँ कि मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ, और छुप छुप के खाना खाती रहूँ, तो ये आपकी पब्लिक के साथ आपका धोखा होगा। आपको ये चीज़ नहीं करनी है, और ये बिल्कुल बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जो मेरे को लगता है कि जो 21 हार्ड डे चैलेंज कर रहे हैं, मे भी वो ऐसे करते भी हों, मैं किसी को भी यहाँ पे गलत नहीं बोलूँगी। अगर वो करते हैं नहीं करते वो उनका जमीर जानता है। मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। अगर मैंने आपको बोल दिया कि हाँ मैंने 21 डे कम्प्लीट कर लिए और बीच में मैं खाती रहूँ, मैं से नहीं होता जो मैं, क्योंकि ये नहीं है ना कि मैं जो बनाऊँगी वही खाऊँगी ना। मैंने आज छोड़ दिया तो मैंने आप दिखाया कि मैंने सेवियाँ बनाई हैं। ये नहीं है ना कि मैं फ्रूट्स कट करके बैठ जोर मैं वो खाऊंगा, ऐसा नहीं होता। मैं मेरी काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की भी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि ना 21 हार्ड डे चैलेंज कर रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, बहुत वीक लग रहा है, मेरे को बहुत वीक लग रहा है। काफ़ी लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया है। तो देखो, अगर आप लोगों को अच्छा फील हो रहा है, मैं नहीं बोलूँगी, अगर आप लोगों का वेट बहुत अच्छे से गिर रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, सबसे बड़ी बात कि आपकी तबीयत ठीक है, तो आप आगे कंटिन्यू करें। अगर आपको वीक फील हो रहा है तो आप भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। आप खा के पोर्शन कंट्रोल करके अपना वजन कम कर सकते हैं। कल से हमारे नवरात्रे स्टार्ट हैं, उसका फर्स्ट डे है, तो मैं अपने नवरात्रे रखती हूँ। तो कल से हमारी जो मेरी है मेरी नवरात्रे डाइट स्टार्ट होगी। मैं आपके साथ जो जो मैं खाऊंगी वो मैं शेयर करूंगी। ये ना कि जो मैं खाऊंगी वही शेयर करूंगी, ये नहीं होगा ना कि मैं खा कुछ रही हूँ दिखा कुछ रही हूँ, ऐसा मैंने कभी भी और मैं अब भी नहीं कर सकती। तो कल से मेरा नवरात्रे का फर्स्ट डे फर्स्ट डाइट स्टार्ट होगी। तो अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं मेरी डाइट जो नवरात्रे डाइट है, तो आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस देखो, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आपको लग रहा हो कि मैंने खाली ब्रेकफास्ट दिखाया, लंच और डिनर नहीं दिखाया। तो लंच में मैं ऐसे अच्छा बनाने नहीं वाली, मतलब कुछ अपना जो मेरा कम्फर्ट मील है मैं वही खाऊंगी। दाल चावल मैं बनाऊंगी, पोर्शन कंट्रोल करके उसी खाऊंगी। डिनर मैं देखूंगी, जो मैं खाऊंगी मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो बस यहीं तक थी क्योंकि ना कल नवरात्रि है, तो उसकी मेरे को शॉपिंग करनी है। अगर मैं वीडियो बनाती रहूंगी पूरा एंड तक बनाऊंगी ना, तो ना पूरा का पूरा दिन खत्म हो जाएगा। और मैं पता है क्या ना, पूरा का पूरा दिन खत्म हो जाता है पूरी वीडियो बनाने में। ये नहीं कि ना 5 मिनट की वीडियो होती है, पूरा एक दिन जाता है। आपको चाहे वो 10 मिनट की वीडियो मिलती है, लेकिन मेरा पूरा एक दिन जाता है वो वीडियो बनाने में, क्योंकि उसको एडिट भी करना पड़ता है। तो इसलिए बस ये वीडियो यहीं तक थी। और मेरे को अपना फ्रिज भी साफ करना है, क्योंकि कल नवरात्रि है, फ्रिज साफ होगा अच्छे से, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन मैं यूज नहीं करती हूँ। नवरात्रि में वैसे कोई भी यूज नहीं करता है प्याज लहसुन, तो प्याज और लहसुन का कोई भी ऐसा खाना नहीं होगा पूरे के पूरे 7 या 8 दिन जितने भी होते हैं नवरात्रे। मैं मम्मी से पूछूं कितने नवरात्रे हैं, क्योंकि हर बार चेंज होता है ना, कभी 7 आते हैं, कभी 6 आते हैं, कभी 8 आते हैं। तो मम्मी से पूछूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने आपको बता दिया कि मेरा वेट 1.5-2 किलो वजन ही कम हुआ है। और रही बात इंच अपडेट ये नहीं है कि मेरे वेट, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे कपड़े लूज नहीं हुए, कपड़े बहुत अच्छे से लूज हुए हैं, बट मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तबीयत खराब हो जाए। आप मैनेज कर रहे हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप कंटिन्यू करें, नहीं तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती थी कि भूखे रह के कभी भी वेट लूज नहीं होता है, हमको तीनों मील खाने हैं, अच्छे से खाने हैं। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस भी कर ली, चीज मैंने देख भी ली और एक्सपीरियंस भी कर ली, और आप लोगों को भी दिखा दिया कि हाँ, भूखे रह के वेट लूज नहीं होता है, बल्कि हमारी तबीयत ही खराब होती है, जो मेरे साथ हुई है। मेरे को बड़ा ज्यादा वो है कि चलो कोई बात नहीं, हम अपनी वो है ना एक्सपीरियंस कर करके ही चीजें सीखते हैं। जो सच है वो चीजें मैंने आपको दिखाई है, 15 दिन मैंने आपको वही चीजें दिखाई और आपको वो बताई है। चाहती तो मैं आपको यहाँ पर झूठ भी बोल सकती थी, खाती
गई थी खाना और 20 डेज बोलती हाँ मेरा 21 हार्ड डे चैलेंज कम्प्लीट हो गया है, बट वो मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया तो अब भी वो चीज मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहीं पे अपना ये चैलेंज क्विट कर रही हूँ। और कल से आप देखें, कल से मेरा नवरात्रि डाइट स्टार्ट है, तो आप मेरे साथ देखें कि मैं क्या क्या खाती हूँ अपने नवरात्रे में। और आज की वीडियो बस यहीं तक थी, आप बताना आपको वेट अपडेट कैसा लगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो एक लाइक करना भी मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।